छह गेंदों में चाहिए थे 12 रन, सांसें थम चुकी थी, फिर एक रन आउट ने कर दिया चमत्कार। मुंबई वर्सेस पंजाब के मैच में हो गया तगड़ा बवाल, थर थर कांपने लगी थी प्रीति जंटा। पांड्या मैदान छोड़कर भागे, फिर रोहित ने अपनी कप्तानी से कर दिया कमाल, लेकिन आखिरी गेंद पर इस टीम ने मारी बाजी। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और कौन सी टीम जीती है ये मुकाबला, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल आज भैया आईपीएल 2024 का यहाँ पे 33वां T20 मैच खेला गया, जहाँ पे एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम तो दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की टीम थी। हालांकि इस मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, तो मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और मुंबई की टीम की तरफ से आज ईशान किशन केवल 8 रन बनाकर फ्लॉप हो गए, जिनका विकेट कगिजो रबाड़ा ने लिया। इसी के साथ साथ जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए तो रोहित शर्मा ने आज यहाँ पे 25 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली। इसी के साथ साथ 3 छक्के 2 चौके लगाए और 124 के रेट से स्ट्राइक की बल्लेबाजी करी, लेकिन सैम करन ने इनको आउट किया और हरप्रीत बरार ने कैच पकड़ा। तो वहीं भैया 360 डिग्री मास्टर सूर्य कुमार यादव ने आज एक बार अपनी शानदार बल्लेबाजी फिर दिखा दी। जी हाँ, सूर्य कुमार ने 53 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली, 7 चौके 3 छक्के लगाए, 147 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और यहाँ पे सैम करन ने इनको आउट किया और प्रभ सिमरन सिंह ने इनका कैच पकड़ा। वहीं दूसरी ओर तिलक वर्मा ने 34 रनों की नाबाद पारी खेली, हार्दिक पांड्या कप्तान 10 रन बनाकर आउट हो गए, टीम डेविड 14 तो रोमारियो सफेद 1 और ऐसे में एमआई की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बना पाई थी। इसी के साथ पंजाब किंग्स की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से यहाँ पे एक तरफ से सभी खिलाड़ी फ्लॉप हो चुके थे और पंजाब की मालकिन प्रीति जंटा भी यहाँ पे परेशान हैरान नजर आ रही थी, जहाँ सैम करन 6 रन बनाकर आउट हुए, प्रभ सिमरन सिंह 0 और इसी के साथ साथ रिलो रोसो 1 रन, लिविंगस्टन 1 रन, हरप्रीत सिंह भी 13 रन। इसी के साथ यहाँ पे आपको बताएं जब भैया शशांक सिंह की बल्लेबाजी आई तो शशांक सिंह ने आज एक बार फिर बेहतरीन पारी खेली, 25 गेंदों में 41 रन बनाए, 2 चौके 3 छक्के लगाए और 164 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, लेकिन इनका विकेट यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने लिया और तिलक वर्मा ने कैच पकड़ा। इसी के साथ यहाँ पे आपको बताएं जितेश शर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गए, आकाश मडवाल ने इनको LBW आउट किया। तो वहीं यहाँ पे आपको बताएं कि भैया आशुतोष शर्मा ने भी एक उम्मीद जगा रखी थी, जहां सब खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे तब वहां पे प्रीति जंटा के इस खिलाड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, 28 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली और यहां पे 2 चौके और 7 छक्के लगाए, 217 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर ये खिलाड़ी मैच जिताने वाला था पंजाब को, लेकिन गिराल गोल्डजी ने ऐसी गेंद फेंकी कि यहां पे आशुतोष ने मोहम्मद नबी के हाथ में कैच थमा दिया और ऐसे में अभिषेक आशुतोष शर्मा आउट हो गए। तो हरप्रीत बरार ने भी 21 रनों की पारी खेली, लेकिन ऐसे में फिर भी यहां पे पंजाब की टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाई, 19.1 ओवर में ऑल आउट होकर पंजाब की टीम 183 नहीं बना पाई और एमआई की टीम ये मुकाबला 9 रनों के अंतर पे जीत गई। तो आप भी क्या राय इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।